Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. In this video, we are going to see the question, what is business ethics and what are the features of business ethics? सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि business ethics का meaning क्या होता है, लेकिन उसके पहले हम लोग ethics ये word के बारे में थोड़ा सा जानते हैं. Now ethics ये जो word है, वो Greek word ethos में से लिया गया है, और ethos का English में meaning होता है character. So, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि एथिक्स जो होता है वो किसी पर्सन के कैरेक्टर के बारे में हम लोग को बताता है. जैसे अगर सपोज कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो दूसरों के साथ चीटिंग करता है, तो हम लोग बोलते हैं कि इसका कैरेक्टर खराब है, मतलब ये पर्सन जो है अनएथिकल है. या दूसरा एक पर्सन है जो काफी ज्यादा हेल्प करता है लोगों को, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसका कैरेक्टर बहुत अच्छा है, मतलब ये पर्सन एथिकल है. सो एथिक्स जो है वो ह्यूमन कैरेक्टर से रिलेटेड होता है. एथिक्स के वजह से हम लोग को पता चलता है कि इंसान का कैरेक्टर जो है अच्छा है या बुरा है. अगर कैरेक्टर बुरा होगा तो हम लोग बोलेंगे कि ये पर्सन अनएथिकल है, कैरेक्टर अगर अच्छा होगा तो हम लोग बोलेंगे ये पर्सन एथिकल है करके. नाउ एथिक्स जो होता है वो ह्यूमन एक्शंस के बारे में हम लोग को बताता है कि ह्यूमन एक्शन कैसे है. ह्यूमन एक्शन मतलब है इंसान जो भी क्रिया करता है वो क्रिया इंसान की कैसी है, राइट है या रॉन्ग है, गुड है या बैड है, फेयर है या अनफेयर है, जस्ट या अनजस्ट, लीगल या इलीगल, प्रॉपर या इम्प्रॉपर. तो ये ह्यूमन एक्शन के बारे में पता करने में हम लोग को एथिक्स हेल्प करता है. जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन दूसरों के साथ अगर चीटिंग करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये पर्सन का जो एक्शन है वो रॉन्ग है या बैड है, या ये अनफेयर है या अनजस्ट है, या ये इलीगल चीज है, या ये इम्प्रॉपर है. पर अगर सपोज वो पर्सन किसी को हेल्प करता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये पर्सन जो कर रहा है वो राइट है या गुड है या फेयर है या जस्ट है या लीगल है या प्रॉपर है. तो इस तरीके से इंसान की जो एक्शन है वो हम लोग को किस तरीके से वो एथिक्स के वजह से पता चलता है. जैसे जो भी रॉबर्स होते हैं या जो भी टेररिस्ट होते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी जो एक्टिविटीज होती है, उनके जो एक्शंस होते हैं वो सही नहीं होते हैं. वो कैसे होते, इलीगल होते या अनजस्ट होते या रॉन्ग होते हैं. पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को काफी ज्यादा हेल्प करते हैं, तो उनके एक्शन कैसे है, राइट है या फेयर है या लीगल है या प्रॉपर है, ऐसा हम लोग बोलते हैं. सो बेसिकली एथिक्स के वजह से हम लोग को पता चलता है कि ह्यूमन एक्शन किस तरीके का है. सो एथिक्स मतलब क्या होता है, एथिक्स की वजह से ह्यूमन कैरेक्टर पता चलता है, जिसमें हम लोग को ह्यूमन की एक्शन जो है वो किस तरीके से वो फाइंड आउट करने में एथिक्स हेल्प करता है. और एथिक्स जो होता है वो सोशल साइंस का एक ब्रांच है, मतलब एथिक्स ये जो सब्जेक्ट है वो सोशल साइंस के अंडर आता है. ना सोशल साइंस का मतलब क्या होता है, तो दो तरीके के साइंस होते हैं, एक होता है प्योर साइंस और दूसरा होता है सोशल साइंस. प्योर साइंस मतलब जैसे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह पढ़ते हैं, तो वो प्योर साइंस है, वहां पे चीजें जो होती है फिक्स होती है. जैसे कि अगर हम लोग बात करते हैं H2O, ना H2O का मतलब क्या होता है कि ये हम लोग अगर मिलाएंगे तो इससे वाटर बनता है, तो वो फिक्स ही होता है कि दो H होने चाहिए और एक O होना चाहिए, तभी जाके वाटर बनेगा. उसमें अगर हम लोग चेंजेस करेंगे तो ऑब्वियसली वाटर बनेगा नहीं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्योर साइंस. सो प्योर साइंस में चीजें जो होती है फिक्स होती है. लेकिन सोशल साइंस जो होता है वो ह्यूमन बिहेवियर के बारे में होता है, और आपको पता है ह्यूमन बिहेवियर कभी भी सेम नहीं होता है. मतलब एक फैमिली की अगर हम लोग बात करेंगे, तो फैमिली के अंदर भी लोगों का बिहेवियर अलग अलग होता है. और अगर हम लोग एक पर्टिकुलर एरिया में देखेंगे, तो कितने सारे लोगों के बिहेवियर में हमको वेरिएशन दिखाई देते हैं. सो सोशल साइंस जो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, और ह्यूमन बिहेवियर कभी भी सेम होता नहीं है. और एथिक्स जो है वो सोशल साइंस का एक ब्रांच है या सब्जेक्ट है, बिकॉज एथिक्स के अंदर भी हम लोग क्या करें, ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ही पढ़ रहे हैं कि ह्यूमन बिहेवियर राइट है या रॉन्ग है, गुड है या बैड है, ये हम लोग पढ़ रहे हैं. सो एथिक्स ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करता है, इसके वजह से ये सोशल साइंस का एक हिस्सा है, इसको हम लोग प्योर साइंस नहीं बोल सकते हैं. ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आप लोगों को ये याद रखना है. उसी के साथ साथ एथिक्स ये वर्ड कहाँ से आया है, कौन से वर्ड में से आया है, उसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है, ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तो आप लोग इसको याद रखोगे. सो इसमें आपको पता चल गया कि एथिक्स मतलब क्या होता है, तो एथिक्स ह्यूमन एक्शन कैसा है वो हम लोग को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, जिसमें ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि ह्यूमन एक्शन ये सब हो सकते हैं करके. अभी हम लोग देखते हैं बिजनेस एथिक्स का मतलब क्या होता है. तो बिजनेस एथिक्स एथिक्स के जैसा ही है. बिजनेस एथिक्स बेसिकली कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं. कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो एक तरीके के ये रूल्स होते हैं, और ये कोड ऑफ कंडक्ट जो होते हैं वो बिजनेसमैन ने जब भी वो बिजनेस करते हैं तभी वो फॉलो करने चाहिए, ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है. जैसे बिजनेसमैन बिजनेस कर रहे हैं तो उनको क्या कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए, तो जैसे कि कस्टमर को अच्छे क्वालिटी की गुड्स देने चाहिए, या फेयर प्रमोशन करना चाहिए, ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करनी चाहिए. सो इससे हमको पता चलता है कि बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. जैसे मैंने आपको बोला कि अच्छे क्वालिटी के गुड्स देने चाहिए,
फेयर प्रमोशन करना चाहिए, तो ये करना चाहिए हमको पता चलता है। फिर कस्टमर को हाई प्राइस चार्ज नहीं करनी चाहिए, या फिर कस्टमर को गुड जो है उसमें अडल्ट्रेशन नहीं करके देना चाहिए, तो ये नहीं करनी चाहिए, ये चीज हमको पता चलती। तो बिजनेस एथिक जो बिजनेसमैन के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है, जिसके वजह से पता चलता है कि बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको बिजनेस एथिक बोला जाता है। तो आपको अगर बिजनेस एथिक का मीनिंग आता है तो आप लोग सिंपली लिखोगे कि बिजनेस एथिक्स उस कोड ऑफ कंडक्ट है जो बिजनेसमैन के लिए बनाया है, और बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करते हैं तो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्होंने वो कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए। फिर बाद में बिजनेस एथिक जो ये एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है, एक दर्जा होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को रेगुलेट करता है, मतलब बिजनेसमैन जो है उसके बिहेवियर को ये रेगुलेट करता है कि बिजनेस एथिक्स की वजह से बिजनेसमैन किसी भी तरीके से कस्टमर के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ या किसी के भी साथ कोई भी चीटिंग नहीं करता या कोई भी रॉन्ग चीजें नहीं करता है। तो बिजनेस एथिक्स ने बिजनेसमैन के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं या कुछ दर्जा बताया गया है जो बिजनेसमैन ने फॉलो करना चाहिए, वो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। सो बिजनेस एथिक एक स्टैंडर्ड है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को क्या करता है, रेगुलेट करता है। और बिजनेस एथिक के वजह से पता चलता है कि क्या गलत है और क्या सही है, तो इसका जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो बिजनेस एथिक्स के वजह से पता चलता है। सो ये हो गया मीनिंग ऑफ बिजनेस एथिक्स, आई होप आपको पता चल गया होगा। सिंपली आपको क्या याद रखना है कि बिजनेस एथिक्स कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है जो बिजनेसमैन ने बिजनेस करते समय फॉलो करना चाहिए, ऐसे एक्सपेक्ट किया जाता है। ये कुछ स्टैंडर्ड्स है जो ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करते हैं, और इसके वजह से पता चलता है कि सही क्या है और गलत क्या है, और इसके वजह से पता चलता है कि बिजनेस के अंदर क्या हम लोग सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ बिजनेस एथिक्स। सो पहला डेफिनेशन जो है वो एंड्रयू क्रेन इन्होंने दिया हुआ है, वो क्या कहते हैं कि बिजनेस एथिक इज अ स्टडी ऑफ द बिजनेस सिचुएशन, एक्टिविटीज एंड डिसीजंस वेयर इश्यू ऑफ राइट एंड रॉन्ग आर एड्रेस्ड। इसका मतलब क्या है कि एंड्रयू क्रेन बोलते हैं कि बिजनेस एथिक्स जो है वो ये पता करने में हेल्प करता है कि बिजनेस जो भी एक्टिविटीज कर रहा है या बिजनेस में जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो राइट है या रॉन्ग है। जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि अगर हम लोग कस्टमर को खराब क्वालिटी की गुड्स दे रहे हैं तो ये रॉन्ग है, हम लोग अगर कस्टमर्स को अच्छे क्वालिटी के गुड्स दे रहे हैं फेयर प्राइस में दे रहे हैं तो ये सही है। तो ये जो बाइफर्केशन है, ये जो डिस्टिंग्विश है बिजनेस एक्टिविटीज और बिजनेस के डिसीजन के रिलेटेड, वो हम लोग को बिजनेस एथिक्स के वजह से पता चलते हैं। और दूसरा डेफिनेशन जो है वो विलर इन्होंने दिया हुआ है, वो कहते हैं कि बिजनेस एथिक इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ मेंटेनिंग हार्मोनियस रिलेशन विद द सोसाइटी, इट्स वेरियस ग्रुप्स एंड इंस्टीट्यूशंस। मतलब क्या है कि बिजनेस एथिक जो होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं सोसाइटी के साथ और सोसाइटी में जो अलग अलग ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि इन्वेस्टर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, फिर कुछ इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, जैसे कि हम लोग को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो फाइनेंस देते हैं तो वो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो इनके साथ क्या करना है, हार्मोनियस रिलेशनशिप रखना है, मतलब किसी भी तरीके से उनके साथ चीटिंग नहीं करनी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कस्टमर्स को खराब क्वालिटी के गुड्स देना, हाई प्राइस चार्ज करना, एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन करना, गवर्नमेंट के टैक्स पे नहीं करना, या फिर जो भी इन्वेस्टर्स है उनका इंटरेस्ट टाइम पे नहीं करना, तो ये क्या है, हार्मोनियस रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे बिजनेस हार्मोनियस रिलेशन सोसाइटी के साथ मेंटेन नहीं कर रहा है। सो बिजनेस एथिक्स क्या कहता है कि बिजनेसमैन ने हमेशा सोसाइटी के साथ और सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स और इंस्टीट्यूशंस के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप रखना चाहिए, किसी का भी एक्सप्लॉयटेशन या किसी के साथ भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए। और उसी के साथ साथ रिकॉग्नाइजिंग द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर राइट एंड रॉन्ग कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, मतलब ये हमारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, नैतिक जिम्मेदारी है जिससे हमको पता चलता है कि हमारे बिजनेस जो है वो राइट या रॉन्ग कंडक्ट कर रहा है। सो बेसिकली इस डेफिनेशन के अंदर व्हीलर क्या कहते हैं कि बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करते हैं तो उनको सोसाइटी के साथ और सोसाइटी के अलग अलग ग्रुप्स के साथ हार्मोनियस रिलेशनशिप रखना चाहिए, प्लस बिजनेसमैन की ये मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब भी वो बिजनेस कर रहे हैं तो क्या राइट है और क्या रॉन्ग है वो उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, पहचानना चाहिए और उसके हिसाब से बिजनेस एक्टिविटीज करनी चाहिए। तो सब जगह पे एक ही चीज बताई हुई कि बिजनेसमैन जब भी बिजनेस करते हैं या बिजनेस में अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं तो उस समय पे बिजनेसमैन ने राइट और रॉन्ग इसको ध्यान में रखते हुए अपने बिजनेस को कंडक्ट करना चाहिए, उसको बिजनेस एथिक्स बोला जाता है। सो ये सब हमने देखा कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एथिक्स। अभी हम लोग देखते हैं व्हाट आर द फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। तो पहला फीचर है कोड ऑफ कंडक्ट। नाउ ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मीनिंग के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब बताया कि कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो हम लोग को बताता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू।
फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब ऐसी चीजें जिसकी वजह से सोसाइटी का वेलफेयर हो सकता है और ऐसी चीजें जिसकी वजह से सोसाइटी का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है. तो बिजनेसमैन ने वो चीजें करनी चाहिए कि जिसकी वजह से सोसाइटी का वेलफेयर हो या सोसाइटी का डेवलपमेंट हो. ऐसी कोई भी चीजें बिजनेसमैन ने नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से सोसाइटी को कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो. सो इसके लिए हर एक बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, ये कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना चाहिए. उनको पता चलना चाहिए कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू. जैसे मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल्स दिए हैं कि कस्टमर को अच्छे क्वालिटी की गुड्स रीजनेबल प्राइस में देने चाहिए, गवर्नमेंट का टैक्स जो टाइम पे करना चाहिए, इन्वेस्टर को उनका इंटरेस्ट और कैपिटल अमाउंट टाइम पे करना चाहिए. तो ये सब चीजें बिजनेसमैन ने करना चाहिए. किसी भी तरीके से इन्वेस्टर का कैपिटल जो है टाइम पे नहीं कर रहे, इंटरेस्ट टाइम पे नहीं कर रहे हैं, कस्टमर को खराब क्वालिटी की गुड्स दे रहे हैं या एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, तो ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए. ये कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर लिखा रहता है. तो बिजनेस एथिक्स एक तरीके का कोड ऑफ कंडक्ट है जिसकी वजह से बिजनेसमैन को पता चलता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. और हर एक बिजनेसमैन ये कोड ऑफ कंडक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करना जरूरी है. सेकेंड फीचर इज बेस्ड ऑन मोरल एंड सोशल प्रिंसिपल्स. मतलब बिजनेस एथिक्स जो है वो मोरल और सोशल प्रिंसिपल्स के ऊपर आधारित है. मोरल मतलब क्या, नैतिक प्रिंसिपल्स, और सोशल का मतलब क्या होता है, सामाजिक प्रिंसिपल्स, और प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, गाइडलाइंस. सो बिजनेस एथिक्स जो होते हैं उसके अंदर कुछ बिजनेसमैन ने मोरल गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए और सोशल गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए. तो वो कौन से मोरल और सोशल प्रिंसिपल्स हो सकते हैं, जैसे कि सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए. सेल्फ कंट्रोल मतलब किसी भी बिजनेसमैन को ऐसी इच्छा नहीं होनी चाहिए कि मैं किसी का एक्सप्लॉयटेशन करूं या किसी के साथ चीटिंग करके मैं प्रॉफिट कमाऊं, उसको सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं. तो ये बिजनेसमैन की क्या हो गई, मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर, मतलब बिजनेसमैन ने हमेशा कस्टमर के प्रोटेक्शन के लिए और वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए. जैसे मैंने काफी बार आपको बताया कि कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस में ऑफर करना चाहिए. फिर बाद में कस्टमर को किसी भी तरीके से मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं करना चाहिए. जैसे कि आप लोग देखते हो कि खराब क्वालिटी के गुड जो होते हैं वो डिस्काउंट में बेचे जाते हैं, या प्रोडक्ट की क्वालिटी जो होती है इतनी अच्छी नहीं होती है लेकिन एडवर्टीजमेंट के अंदर उसका एग्जेजरेशन किया जाता है, मतलब बड़ा चढ़ा के वो प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है. तो ये सब बिजनेसमैन ने नहीं करना चाहिए. बिजनेसमैन की क्या है, मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर्स के तरफ. देन सर्विस टू द सोसाइटी, मतलब बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, सोसाइटी को डोनेशंस देने चाहिए. फिर बाद में बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, स्कूल्स वगैरह या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह जो होते हैं वो कंस्ट्रक्ट करने चाहिए ताकि गरीब लोगों को वहां पे अच्छे ट्रीटमेंट या एजुकेशन वगैरह मिल पाए. उसी के साथ साथ बिजनेसमैन ने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, ये भी उनकी मोरल और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है. और बिजनेसमैन ने सोसाइटी के सारे ग्रुप्स के साथ फेयर ट्रीटमेंट करना चाहिए, जैसे कि शेयर होल्डर्स है तो उनका कैपिटल और इंटरेस्ट टाइम पे करना चाहिए. फिर बाद में एम्प्लॉयज है तो उनको फेयर सैलरी देनी चाहिए, प्रमोशंस वगैरह देने चाहिए. सो ये सब जो है वो मोरल और सोशल प्रिंसिपल से जिसके ऊपर बिजनेस एथिक जो है वो आधारित है. इसके वजह से बिजनेस एथिक के वजह से बिजनेसमैन को पता चलता है कि उनको ये सब चीजें करनी चाहिए, बिकॉज बिजनेस एथिक जो है मोरल और सोशल प्रिंसिपल के ऊपर ही आधारित है. बिजनेस एथिक के अंदर यही सब चीजें बताई हुई है, और ये सब चीजें क्या है, मोरल और सोशल गाइडलाइंस है जो बिजनेसमैन को फॉलो करनी पड़ती है. नेक्स्ट फीचर है गिव प्रोटेक्शन टू द सोशल ग्रुप, मतलब जो भी सोसाइटी के ग्रुप्स है उनको क्या करना चाहिए, बिजनेसमैन ने प्रोटेक्शन देना चाहिए, वो बिजनेस एथिक के वजह से बिजनेसमैन को पता चलता है. नाउ कौन से सोशल ग्रुप्स है, तो कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए, एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि किस तरीके से कंज्यूमर्स के साथ एम्प्लॉयज के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है. दूसरे जो स्मॉल बिजनेसेस है उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए. जैसे कि आपने देखा होगा कि बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं उनके पास काफी ज्यादा कैपिटल होता है और वो छोटे बिजनेसमैन का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं. जैसे कि बड़े बिजनेसमैन क्या करेंगे, प्राइस कम कर देंगे ताकि सारे कस्टमर उनके पास चले जाए, और फिर स्मॉल बिजनेस की डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है और उनको लॉसेस होते हैं, और जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस बंद हो जाते हैं. तो किसी भी बड़े बिजनेस ने इस तरीके से अनएथिकल बिहेव नहीं करना चाहिए, उनका भी प्रॉफिट हो, उनको भी प्रोटेक्शन मिले, इस तरीके से बड़े बिजनेसमैन ने बिहेव करना चाहिए. फिर गवर्नमेंट के बारे में मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट को टैक्स जो है टाइम पे करना चाहिए, शेयर होल्डर का जो भी डिविडेंड है या कैपिटल है वो टाइम पे रीपे करना चाहिए. फिर बाद में जो भी क्रेडिटर्स है जिनके पास से बिजनेसमैन उधारी में रॉ मटेरियल परचेस करते हैं तो उनके जो भी ड्यूज है वो टाइम पे क्लियर करने चाहिए. सो बिजनेस एथिक्स के वजह से बिजनेसमैन जो है वो ये सारे सोशल ग्रुप्स का प्रोटेक्शन करता है. ये सब सोशल ग्रुप्स के रिलेटेड जो भी बिजनेसमैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको बिजनेसमैन फुलफिल करता है, और जिससे सोशल ग्रुप्स का प्रोटेक्शन होता है. देन नेक्स्ट फीचर इज प्रोवाइड बेसिक फ्रेमवर्क. फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, आउटलाइन या लिमिट. मतलब बिजनेस एथिक जो बिजनेसमैन को एक लिमिट देता है और उस लिमिट के अंदर बिजनेसमैन जो अपना बिजनेस चलाता है
उसके बियॉन्ड जाके बिजनेसमैन कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करता नहीं है, तो उसको फ्रेमवर्क बोला जाता है। तो फ्रेमवर्क एक लिमिट है, कौन से चीजों का लिमिट हो सकता है, तो जैसे सोशल लिमिट हो सकता है। सोशल लिमिट का मतलब क्या होता है, जब भी बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं तो उनको सोसाइटी को डोनेशन देने चाहिए, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए, एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए, तो ये एक सोशल लिमिट है, इसके अंदर बिजनेसमैन काम करेगा, इसके बियॉन्ड नहीं जाएगा, जैसे कि एनवायरमेंट को खराब करना, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, ये सब नहीं करेगा। वो लिमिट के अंदर रह के वो लोग क्या करेंगे, अपना काम करेंगे, तो ये सोशल लिमिट हो गया। फिर बाद में है कल्चरल फ्रेमवर्क या कल्चरल लिमिट, जिसको हम लोग बोल सकते हैं, मतलब बिजनेसमैन ने हमारे कल्चर को ध्यान में रखते हुए उसके हिसाब से बिजनेस करना चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि बर्गर जो होता है, तो एक्चुअल बर्गर जो होता है वो हैम्स बर्गर होता है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या किया जाता है, जो पटेटो टिक्की होता है या पनीर वगैरह होता है या दूसरी जो चीजें होती है जो हमारे कल्चर के अगेंस्ट नहीं है, उसको ध्यान में रख के उसके हिसाब से बिजनेसमैन बिजनेस करते हैं। अगर सपोज हैम्स बर्गर या गाय के मांस का बना हुआ बर्गर इंडिया में बेचा जाए तो वो हमारे कल्चर के खिलाफ है, तो बिजनेसमैन ने ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जो हमारे कल्चर के खिलाफ हो। फिर बाद में इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या इकोनॉमिक लिमिट, तो इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए बिजनेस एक्टिविटी करनी चाहिए। इकोनॉमी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो, जैसे कि इन्फ्लेशन हो, रिसेशन हो, ऐसी कोई भी एक्टिविटी बिजनेसमैन ने नहीं करनी चाहिए। इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए बिजनेसमैन ने अपनी एक्टिविटीज को उसके हिसाब से मोल्ड करना चाहिए। देन लीगल फ्रेमवर्क, ऐसी कोई भी इलीगल एक्टिविटी बिजनेसमैन ने नहीं करनी चाहिए, जैसे कि अंडरवर्ल्ड के जो लोग हैं उनको फंड सप्लाई करने का, या फिर दूसरे कोई भी इलीगल चीजें वगैरह बिजनेसमैन करते हैं, तो वो सब चीजें नहीं करनी चाहिए। तो बिजनेसमैन को बिजनेस एथिक जो एक फ्रेमवर्क देता है, एक लिमिट देता है, और उस लिमिट के अंदर बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्होंने वो फ्रेमवर्क के अंदर काम करना चाहिए। और ये फ्रेमवर्क जो होता है वो सोशल फ्रेमवर्क हो सकता है, कल्चरल फ्रेमवर्क होता है, इकोनॉमिक, लीगल या दूसरा कोई भी फ्रेमवर्क होता है, जिसके अंदर बिजनेसमैन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को फ्रेमवर्क के अंदर कंप्लीट करना चाहिए। देन नेक्स्ट फीचर इज वॉलेंटरी। वॉलेंट्री मतलब क्या, खुद के इच्छा से, मतलब बिजनेस एथिक्स जो है उसको बिजनेसमैन ने खुद से एक्सेप्ट करना चाहिए, उसके अंदर एक सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, उसने अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को हमेशा एथिकल रखना चाहिए, किसी भी तरीके से अनएथिकल एक्टिविटीज बिजनेसमैन ने नहीं करनी चाहिए, वो उसको खुद से फील होना चाहिए। देन नेक्स्ट फीचर इज रिक्वायर्स एजुकेशन एंड गाइडेंस, मतलब बिजनेस एथिक्स जो है उसको फॉलो करने के लिए बिजनेसमैन को एजुकेशन और गाइडेंस प्रोवाइड करना काफी जरूरी है। बिजनेसमैन को मोटिवेट करना बहुत जरूरी है कि उन्होंने बिजनेस एथिक्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, और उनको मोटिवेट करने के लिए उनका गाइडेंस या एजुकेशन वगैरह कंडक्ट करना चाहिए। एजुकेशन और गाइडेंस के थ्रू बिजनेसमैन को मोटिवेट किया जा सकता है बिजनेस एथिक्स को फॉलो करने के लिए। जैसे कि आप लोग देखते हो कि आजकल काफी सारे बिजनेसमैन जो है वो MBA वगैरह करते हैं, या जो भी बिजनेस के रिलेटेड कोर्सेस वगैरह है वो करते हैं, और वो कोर्सेस करने की वजह से उनको एक एजुकेशन मिलता है, गाइडेंस मिलता है, जिसकी वजह से वो एथिकली बिजनेस करते हैं। सो यहाँ पे बिजनेस एथिक्स को फॉलो करने के लिए बिजनेसमैन को एजुकेशन और गाइडेंस की जरूरत होती है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन मोटिवेट होते हैं और वो फिर क्या करते हैं, एथिकली बिजनेस करते हैं। अगर बिजनेसमैन को एजुकेशन नहीं होगा, उनको प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलेगा, तो वो अनएथिकल तरीके से ही बिजनेस करेंगे। सो बिजनेस एथिक्स को फॉलो करने के लिए बिजनेसमैन के पास एजुकेशन और गाइडेंस होना जरूरी होता है। नेक्स्ट फीचर इज रिलेटिव टर्म। रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, चेंज होना। सो बिजनेस एथिक जो होता है बिजनेस टू बिजनेस और कंट्री टू कंट्री चेंज होते रहता है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर बिजनेसमैन को लगता है कि ये बिजनेस एक्टिविटी सही है, तो दूसरे बिजनेसमैन को ऐसे लगता है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी जो गलत है। जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मिस्टर ए और मिस्टर बी, ऐसे दो बिजनेसमैन हैं। मिस्टर ए के हिसाब से वाइन बेचना ये गलत बिजनेस है, लेकिन मिस्टर बी को ऐसे लगता है कि वाइन बेचना ये अच्छा बिजनेस है। So, यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस एथिक जो है ये मिस्टर ए और मिस्टर बी, ये दो बिजनेसमैन के हिसाब से अलग अलग उनका थिंकिंग है। मिस्टर ए को वो बिजनेस सही नहीं लग रहा है, मिस्टर बी को वो बिजनेस सही लग रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बिजनेस एथिक जो है बिजनेस टू बिजनेस चेंज हो रहा है। सेम तरीके से कंट्री टू कंट्री भी बिजनेस एथिक जो होता है वो अलग अलग होता है। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि बर्गर जो होता है हैम्स बर्गर होता है, तो US में या वेस्टर्न कंट्रीज में हम लोग जाएंगे तो वहां पे काफी सारे लोग हैम्स बर्गर को खाते हैं, मतलब गाय के मांस से बना हुआ वो लोग बर्गर को खाते हैं। लेकिन इंडिया ऐसी कंट्री है जहाँ पे हिंदूज बहुत ज्यादा है, तो हिंदूज के हिसाब से हैम्स बर्गर जो है वो अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे जो भी बिजनेसमैन है वो क्या करेंगे, यहाँ पे हैम्स बर्गर नहीं बेचेंगे, दूसरे जो भी पटेटो की टिक्की वाले या पनीर के टिक्की वाले बर्गर से वो यहाँ पे बना के बेचेंगे। सो US कंट्री के अंदर बिजनेस एथिक्स अलग है, इंडिया कंट्री के अंदर बिजनेस एथिक्स अलग है। तो इस हिसाब से बिजनेस एथिक्स जो है बिजनेसमैन टू बिजनेसमैन अलग अलग होते हैं और कंट्री टू कंट्री अलग अलग होते हैं।
एक चीज किसी कंट्री में अलाउ होती है तो दूसरे कंट्री में उसको बैन किया जाता है, तो इसी को रिलेटिव टर्म बोला जाता है। तो रिलेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, चेंज होना। सो बिजनेस एथिक जो होता है वो चेंज होते रहता है। और लास्ट वाला फीचर है न्यू कॉन्सेप्ट, मतलब बिजनेस एथिक जो है वो काफी नया कॉन्सेप्ट है। डेवलप कंट्रीज के अंदर बिजनेस एथिक्स को काफी ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है, लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो भी अंडर डेवलप कंट्रीज है वहां पे अभी भी बिजनेस एथिक्स को इतना ज्यादा फॉलो किया जाता नहीं है। तो ये काफी न्यू कॉन्सेप्ट है, डेवलप कंट्रीज में ऑलरेडी इसको फॉलो किया जा रहा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज में इसको फॉलो करने के लिए थोड़ा टाइम जाएगा। सो ये हो गए फीचर्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। अभी हम लोग तीसरा पार्ट देखते हैं ये क्वेश्चन का, जो है कोड्स ऑफ बिजनेस एथिक्स। कोड का मतलब क्या होता है, अगेन जो मैंने आपको कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो उसी का लिस्ट में यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा। पहले तो डूज। नाउ डूज का मतलब क्या होता है कि क्या करना चाहिए। सो बिजनेसमैन ने क्या करना चाहिए, तो जो भी टैक्सेस है या दूसरे जो भी चार्जेस है वो गवर्नमेंट को टाइम पे करना चाहिए। दूसरा, जो भी एम्प्लॉयज है उनकी वेजेस को या उनको जो भी अलावेंसेस वगैरह मिलते हैं, जैसे कि उनको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, मतलब घर का जो रेंट होता है वो मिलता है, डियरनेस अलाउंस मतलब महंगाई का जो अलाउंस होता है वो मिलता है। सो ये अलाउंसेस बिजनेसमैन ने एम्प्लॉयज को टाइम पे करने चाहिए, और उसी के साथ दूसरे जो भी मॉनिटरी इंसेंटिव्स है वर्कर्स को पे करने चाहिए। मतलब किसी भी तरीके से वर्कर्स के वेजेस या सैलरी रुका के रखे है, उनको अलाउंसेस नहीं दिए जा रहे, इंसेंटिव्स नहीं दिए जा रहे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बिजनेसमैन ने एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस, अलाउंसेस और मॉनिटरी इंसेंटिव्स पे करने चाहिए। तीसरा है कि जो भी प्रोडक्ट बिजनेसमैन बेच रहे वो सेफ और सिक्योर होने चाहिए। वो प्रोडक्ट्स को यूज करने की वजह से कस्टमर के साथ कोई भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, जैसे कि मिक्सर वगैरह होते हैं, कुकर वगैरह होते हैं, तो ये ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा हो सकते हैं। तो किसी भी बिजनेसमैन ने ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचना चाहिए जो कस्टमर के लिए अनसेफ हो या अनसिक्योर्ड हो। जैसे कि सपोज किसी मेडिकल शॉप वाले ने कस्टमर को एक्सपायर्ड डेट वाली मेडिसिन बेची और उसके वजह से कस्टमर को अगर कोई प्रॉब्लम हो गया, तो डेफिनेटली ये एक्टिविटी जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो बिजनेसमैन ने हमेशा प्रोडक्ट बेचते समय वो प्रोडक्ट सेफ है कि नहीं, सिक्योर है कि नहीं, वो देखना जरूरी है। फिर बाद में नेक्स्ट वाला कोड है कि बिजनेसमैन ने कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स देने चाहिए जो उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से होने चाहिए, और रीजनेबल प्राइस, मतलब क्या कि बहुत ज्यादा प्राइस नहीं चार्ज करनी चाहिए। रीजनेबल मतलब क्या, जो कस्टमर को परवड़े। तो अच्छे क्वालिटी के गुड्स कस्टमर को रीजनेबल प्राइस में ऑफर करने चाहिए। नेक्स्ट वाला कोड है कि जो भी बिजनेसमैन है उन्होंने कंज्यूमर के राइट्स को रिस्पेक्ट और ऑनर करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स दिए हैं, जैसे राइट टू चूज, राइट टू इन्फॉर्म, राइट टू बी हर्ड, देन राइट टू हैव सेफ एनवायरमेंट, ऐसे कुछ राइट्स है जो कस्टमर्स को कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में दिया है। तो बिजनेसमैन ने ये राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ऑनर करना चाहिए। जैसे राइट टू चूज के हिसाब से कस्टमर को चॉइस करने की आजादी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बिजनेसमैन उनको प्रोडक्ट ही नहीं दिखा रहे हैं, उनको जबरदस्ती कर रहे पर्टिकुलर प्रोडक्ट परचेस करने के लिए। या राइट टू बी हर्ड, अगर कस्टमर का कोई कंप्लेंट है तो कंप्लेंट को सुनना चाहिए, वो कंप्लेंट को रिजॉल्व करना चाहिए। तो कस्टमर के राइट्स को कहीं पे भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए। कस्टमर के राइट जो है उसको डिसरिस्पेक्ट करके, डिसऑनर करके कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और लास्ट वाला है कि बिजनेसमैन को जो भी प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा बिजनेसमैन ने सोसाइटी के लिए यूज करना चाहिए, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि डोनेशंस देने चाहिए, स्कूल कॉलेजेस वगैरह कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, हॉस्पिटल्स कंस्ट्रक्ट करने चाहिए, एनवायरनमेंट का प्रोटेक्शन करना चाहिए। तो बिजनेसमैन ने अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए यूज करना चाहिए। तो ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसके कुछ डूज है, मतलब ये चीजें बिजनेसमैन ने करनी चाहिए। उसी के साथ कुछ डोंट्स भी है, डोंट्स मतलब ये चीजें बिजनेसमैन ने नहीं करनी चाहिए। तो पहला है कि बिजनेसमैन ने हेल्दी कॉम्पिटिशन को डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि हेल्दी कॉम्पिटिशन हमेशा अच्छी होती है, मतलब कि एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन की इमेज जो है खराब कर रहा है या उसको डिफेम कर रहा है, बदनाम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को बदनाम कर रहा है तो वो अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हो गया। या काफी बार क्या होता है, बड़े बिजनेसमैन जो है प्राइस कम करते हैं, जिसकी वजह से स्मॉल बिजनेसेस जो होते हैं उनको कॉम्पिटिशन फेस करना प्रॉब्लमेटिक हो जाता है और वो बिजनेस को बंद कर देते हैं। तो किसी भी तरीके से दूसरे बिजनेसमैन का नाम खराब करना या दूसरे बिजनेस को बंद करवाना, ये अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हो गया।
तो ये सब चीजें बिजनेसमैन ने नहीं करनी चाहिए। हेल्दी कंपटीशन को मेंटेन करना चाहिए, हेल्दी कंपटीशन को बिजनेसमैन ने डिस्ट्रॉय या खत्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन अगर बिजनेसमैन खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब वो एक तरीके से क्या कर रहे हैं, कस्टमर्स का और सोसाइटी के दूसरे ग्रुप्स का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। जब कंपटीशन होता है तो कस्टमर्स के लिए बेनिफिशियल होता है, सोसाइटी के लिए भी बेनिफिशियल होता है, क्योंकि जितनी कंपटीशन बढ़ेगी उतना कस्टमर को अच्छे क्वालिटी के गुड्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। लेकिन कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश करते हैं या दूसरे कॉम्पिटिटर्स का नाम खराब करके अपना नाम जो है वो हाईलाइट करना चाहते हैं, तो वो सब बिजनेसमैन ने नहीं करना चाहिए। हेल्दी तरीके से मार्केट में कॉम्पिटिशन को प्ले करना चाहिए। दूसरा है, बिजनेसमैन ने कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन या चीट नहीं करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि खराब क्वालिटी के गुड्स देना, हाई प्राइस चार्ज करना, अनफेयर प्रमोशंस या फिर एग्जेजरेशंस वगैरह करना, कि बड़ा चढ़ा के एडवर्टीजमेंट में चीजों को बताना, ये सब बिजनेसमैन ने नहीं करना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं पे कस्टमर को खराब क्वालिटी के गुड्स देके बिजनेसमैन क्या कर रहे, कस्टमर के साथ चीटिंग कर रहे या उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। फिर बिजनेसमैन ने किसी भी तरीके से मार्केट में मोनोपोली क्रिएट नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे ऊपर ऑलरेडी बताया कि हेल्दी कॉम्पिटिशन को मेंटेन करना चाहिए। कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा प्राइस को कम करते हैं ताकि कस्टमर उनके पास जाए और दूसरे बिजनेसमैन जो उनको लॉस हो के वो मार्केट में से निकल जाए, और वो जो बिजनेसमैन है जिसने प्राइस कम किया था उसकी मोनोपोली मार्केट में क्रिएट हो। मोनोपोली में क्या होता है, सिंगल सेलर होता है और मेनी बायर होता है, तो फिर बाद में वो सिंगल बिजनेसमैन क्या करेगा, कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन करेगा। तो ये बड़े बिजनेसमैन क्या करते हैं, प्राइस को कम करते हैं जिसकी वजह से उनकी कंपटीशन जो खत्म हो जाएगी, और फिर बाद में ये मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, मतलब वो ज्यादा प्राइस चार्ज करके कस्टमर को एक्सप्लॉइट करेंगे। सो बिजनेसमैन ने किसी भी तरीके से मोनोपोली मार्केट में क्रिएट नहीं करनी चाहिए, हेल्दी कॉम्पिटिशन को एनकरेज करना चाहिए। देन बिजनेसमैन ने किसी भी तरीके से होर्डिंग या ब्लैक मार्केटिंग नहीं करना चाहिए। काफी बार ऐसे होता है कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो ऑनियन होते हैं उसके प्राइजेस वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता है, उनका सप्लाई कम हो जाता है। फिर काफी बार आप लोगों ने जो भी दाल वगैरह हम लोगों को मिलती है वो दाल में आपने देखा होगा कि प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है या उसका सप्लाई मार्केट में नहीं आ रहा है, या बहुत सारे सब्जियों के साथ भी ऐसे होता है। सो होल्डिंग मतलब क्या होता है, चीजों को छुपा के रखने का और फिर बाद में उसका ब्लैक मार्केटिंग करने का, मतलब उसको चुपके से बेचने का, वो भी हाई प्राइस में। तो ये सब चीजें बिजनेसमैन ने नहीं करना चाहिए। काफी सारे बिजनेसमैन क्या करते हैं, चीजों को छुपा के रखते हैं बिकॉज उनको पता है कि जब चीजों का शॉर्टेज क्रिएट होता है तो उनका दाम बढ़ जाता है। जैसे कि टोमेटो का एग्जांपल हम लोग लेंगे कि मार्केट में टोमेटो सप्लाई नहीं हो रहा है, ऐसा बिजनेसमैन बोलेंगे और उसको छुपा के रखेंगे। फिर कस्टमर्स क्या करते हैं, उसके लिए हाई प्राइस देने के लिए रेडी होते हैं, तो वहां पे बिजनेसमैन फिर क्या करते हैं, उनका हाई प्राइस में गुड्स बेचते हैं, जो भी उन्होंने छुपा के रखी हुई चीजें उसका ब्लैक मार्केटिंग वो लोग करेंगे। So, ऐसे काफी सारी होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग की केसेस होती है जो बिजनेसमैन ने नहीं करनी चाहिए। और लास्ट वाला है कि बिजनेसमैन ने किसी भी तरीके से सीक्रेट या अनरीजनेबल प्रॉफिट नहीं कमाना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को छुपा के रखते हैं ताकि उनको कम टैक्स भरना पड़े। तो ऐसी सब एक्टिविटीज जो है बिजनेसमैन ने नहीं करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया डूज के बारे में जो बिजनेसमैन ने करना चाहिए, और ये मैंने आपको डोंट्स के बारे में बताया जो बिजनेसमैन ने नहीं करना चाहिए। उसी के साथ साथ बिजनेस में कुछ चीजों को अवॉइड करनी जरूरी होती है, जैसे कि अनफेयर कंपटीशन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि दूसरे बिजनेसमैन का नाम खराब करना और खुद के नाम को हाईलाइट करना, ये बिजनेसमैन ने अवॉइड करना चाहिए। फिर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, मतलब सारा इकोनॉमिक पावर अपने हाथ में लेने का, इसका मतलब जो मैंने आपको बताया कि बिजनेसमैन क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा प्राइस को कम करते हैं ताकि दूसरे बिजनेसमैन जो उनको लॉस हो जाए और वो बंद हो जाए, ताकि सारा जो पावर है उनके हाथ में आ जाए, तो ये भी बिजनेसमैन ने नहीं करना चाहिए। फिर तीसरे एक्टिविटी जो है वो ये है कि जो भी फेलो बिजनेसमैन होते हैं, फेलो बिजनेसमैन मतलब क्या कि दूसरे जो बिजनेसमैन है उनके साथ मिलके बिजनेसमैन ने प्रोडक्शन को, डिस्ट्रीब्यूशन को या प्राइस को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। क्योंकि काफी बार क्या होता है, जो भी सेम बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन है वो लोग एक होते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और वो जानबूझ के क्या करते हैं, अपने गुड्स का प्राइस सेम रखते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि कोल्ड ड्रिंक बेचने वाली सपोज 5 कंपनियां हैं, तो 5 कंपनी क्या करेगी, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाएगी और वो सब लोग क्या करेंगे, सेम प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे, और वो प्राइस भी कैसे होगी, हाई प्राइस होगी। जैसे कि वो गुड्स का प्राइस होना चाहिए 12 रुपीज, लेकिन सबने हाथ मिलाया और सबने क्या किया, वो प्रोडक्ट का प्राइस जो है 15 रुपया कर दिया। तो ये क्या हो गया कि ये जो फेलो बिजनेसमैन है उन्होंने एग्रीमेंट किया, मतलब उन्होंने हाथ मिलाया और उन्होंने प्राइस को बढ़ा दिया। या कभी कभी आप लोग देखते हो कि कभी भी त्योहार वगैरह होता है तो आप लोग फ्लावर्स वगैरह परचेस करने के लिए जाते हो या फ्रूट्स वगैरह परचेस करने के लिए जाते हो, तो पूरे मार्केट में सब बिजनेसमैन क्या करते हैं, सेम प्राइस चार्ज करते हैं, ताकि इससे क्या हो जाए कि कस्टमर जो है वो हाई प्राइस में गुड्स को परचेस करे
और कहीं पे भी जाएंगे तो कस्टमर को सेम प्राइस ही पे करना पड़े। तो ये सब चीजें जो होती है जो कस्टमर को एक्सप्लॉइट करने के लिए बिजनेसमैन करते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना और जानबूझ के प्राइस को बड़ा करके रखना, ये अवॉइड करना जरूरी होता है। कौन सी चीजें बिजनेसमैन ने एक्सेप्ट करनी चाहिए? तो पहले सर्विस फर्स्ट एंड प्रॉफिट नेक्स्ट। कस्टमर को अच्छी सर्विस देनी चाहिए या सोसाइटी को अच्छी सर्विस देनी चाहिए और फिर बाद में प्रॉफिट के ऊपर फोकस करना चाहिए, ये बिजनेसमैन ने एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वाला, बिजनेसमैन ने ये जो ट्रूथ है उसको फॉलो करना चाहिए कि कस्टमर इज द किंग ऑफ द मार्केट। कस्टमर जो है वो राजा है और कस्टमर के लिए हम लोग को बिजनेस करना चाहिए, किसी भी तरीके से कस्टमर का एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना चाहिए। सो कस्टमर मार्केट का राजा है, ये बिजनेसमैन ने एक्सेप्ट करना चाहिए। फिर बाद में तीसरी जो चीज है बिजनेसमैन ने एक्सेप्ट करना चाहिए वो है कि बिजनेस को जस्ट और फेयर रखना चाहिए, मतलब न्याय से बिजनेस को करना चाहिए, किसी भी तरीके से किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना चाहिए। एफिशिएंट और डायनामिक तरीके से बिजनेस करना चाहिए। एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि रिसोर्सेज को कम वेस्टेज करना, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन करना, मतलब ये क्या कि कम से कम रिसोर्सेज में अच्छा प्रोडक्शन करना, उसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंट। और बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को डायनामिक रखना चाहिए, मतलब सोसाइटी की जो रिक्वायरमेंट है उनको ध्यान में रखते हुए बिजनेसमैन ने बिजनेस करना चाहिए। तो ये कुछ चीजें हैं जिनको बिजनेसमैन ने अवॉइड करनी चाहिए और ये कुछ चीजें जिनको बिजनेसमैन ने एक्सेप्ट करना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट बिजनेस एथिक्स, जहां पे हमने देखा कि एथिक्स क्या होता है, फिर बिजनेस एथिक्स क्या होता है, बिजनेस एथिक के फीचर क्या है और उसके क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बारे में हम लोग ने ये वीडियो के अंदर पढ़ा। ये मेरी URL है जहां से मैंने इमेजेस लिए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल एंड ऑल्सो रिकमेंड माई चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।